Assalamualaikum जी, नमस्ते, सात श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज मी साइमोपी ज्यादा एज यूजुअल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आई हूँ, मेजर गर्व आर्य जी की वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सो दोस्तों, आज का हम वीडियो देखने वाले हैं मुस्लिम ऑफ इंडिया डायलॉग विद मेजर गर्व आर्या, जो कि डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग मुस्लिम्स, जो कि इंडिया के मुस्लिम्स हैं, उनकी कुछ वर्ड्स हैं आलिया शाह के साथ। सो आलिया शाह के चैनल पर मेजर गर्व आर्या जी आए हुए हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है मुझे ये सजेशन में सेंड किया था, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है रिगार्डिंग इंडियन मुस्लिम। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। अपने आज के प्रोग्राम में आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत के हवाले से, हम अपने हमसाया मुल्क भारत का एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिस पे पाकिस्तान में भी बात होती रहती है। वैसे भी हम देखते हैं कि उस हवाले से उसके बहुत से एंगल्स हैं। हम बात करेंगे कि भारत में मौजूद, इंडिया में मौजूद मुसलमान क्या सोचते हैं, या हमारे साथ जो आज मेहमान है उनका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है आज पब्लिक स्पीकर और इसके अलावा बहुत टैलेंटेड होस्ट, यानी बहुत फेमस होस्ट है, सोशल मीडिया स्टार और एक्स सर्विसमैन मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य जी। गौरव आर्य जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आलिया जी बुलाने के लिए। मेरे साहब, जिस तरह मैंने बात की कि आज मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए भारत में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से। अच्छा, देखिए, जब हम भारत में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, मुस्लिम्स इन इंडिया, तो वो तो हमारी जो कुल आबादी है, टोटल पॉपुलेशन, तो उतने तो वहां पर ये माइनॉरिटी है, तो उसको माइनॉरिटी कहा जाए या क्या कहा जाए, इतनी बड़ी तादाद में वहां पे मुसलमान हुआ। अच्छा, ये बात, ये टॉपिक जो है वो इसलिए भी मैंने मुंतखब किया कि अक्सर औकात पाकिस्तान में भी बात की जाती है, लेकिन मैं इस एंगल से इसलिए बात स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो बात की जाती है उसमें एक खास बायस हो, मतलब ये कि वो खास नजर से देखा जाता हो। आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत में लोग एक दूसरे के मुताबिक कुछ इस तरह के जो नजरियात रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इससे अगर हम बढ़कर भी हम ये देखते हैं कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद, और जो कि बहुत यूजफुल भी, खासतौर पर जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त तो उनके वोट की भी जरूरत होती है, तो इसके बावजूद फिर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे और उनके हकूक जो है उनको दबाया जा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? पहली बात तो अपने शो पे बुलाने के लिए आलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आबादी 20-21 करोड़ की है, 20-22 करोड़ की, या जो भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की आबादी है भारत में, उसको माइनॉरिटी किसी भी एंगल से कहा जाना चाहिए। यही बात आपने भी कही थी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आलिया जी, ऐसा है कि पारसीज जो हैं वो कुछ चंद लाख होंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ, बहुत बहुत कम। मैंने किसी, मेरे एक दो पारसी दोस्त भी हैं, मैंने कभी पारसी को ये नहीं सुनते सुना आज तक कहते हुए सुना कि हम माइनॉरिटी हैं, ये मैंने किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मैंने किसी के सिख के मुंह से, सरदार के मुंह से नहीं सुना कि हम माइनॉरिटी हैं। मैंने कभी किसी जैन के, कभी बुद्धिस्ट के, किसी क्रिश्चियन के भी, मैं क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा हूं, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा एक एक लीगल तरीके से, बट जो मैं पर्सनल जो हम लोग बातचीत करते हैं, मेरे ईसाई दोस्त भी रह चुके हैं, मैं तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो मैं सेंट एडमंड शिलोंग है, एक शिलोंग है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, मेघालय स्टेट में उसकी कैपिटल है, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ और सेंट एडमंड्स में, और उसके अलावा मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में भी पढ़ा हूँ दिल्ली में, जो कि एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है बाय द वे। लेकिन मैंने किसी ईसाई दोस्त को ये बोलते हुए नहीं देखा कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने शुरू से ही, और इसमें मैं मुसलमानों की गलती नहीं मानता, इसमें भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं डे वन 1947 से, उन्होंने मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी कि
तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम एक जिसको कहते हैं सीज मेंटेलिटी, कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो, राइट। अब मैं एक बात पूछता भी हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। कई बार पाकिस्तानी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान जो इनके लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि किसी एक ने, औरंगजेब ने भी पूरा भारत पे राज नहीं करा, जिसका सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था उसने भी राज नहीं करा पूरे भारत पे। इट इज इम्पॉसिबल, इतना बड़ा मुल्क है कि कोई बोले कि मैंने पूरा यहाँ पे, सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोलेंगे जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बरे सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा, 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों है? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे उसको सरकार चली गई। मेरा, मैं आपसे ये पूछता हूं, फिर ऐसा किस तरीके से है कि इतना बुरा हाल हो गया और गरीबी, ये सब पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आप देखेंगे तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कहती है कि मुसलमानों की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इंडिया में वो सबसे नीचे है। अच्छा, दूसरा ये भी सच है कि सरकार ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके उनके उनकी प्रोग्रेस के लिए, तो ये अरबों डॉलर गए किधर? या तो सरकार झूठ बोल रही है, या जिनको फंड्स मिलने थे वो झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि दोनों झूठ नहीं बोल रहे, दोनों झूठ नहीं बोल रहे। सरकार ने अरबों डॉलर खर्च करे और वो गरीब मुसलमान तक पहुंचे नहीं, इसकी मलाई लगा के ऊपर वाले खा गए। ठीक है, आपके यहां पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही हुआ, यहां पर कुछ अलग नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर मुसलमानों को यह बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ये सब मत बनो, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे, तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो उसमें सबको लगा दिया जन्नत की तैयारी में, अब इस दुनिया की तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहा। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो एजुकेशन बेस्ड है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इतने सीईओ इंडियन, क्योंकि यहां पे हाइपर कॉम्पिटेटिव मामला है। यहां पे अभी कल परसों ही खबर आई कि एक प्लेसमेंट ना होने के डर से एक बच्चा कूद गया पुणे में या किसी और शहर में, आई थिंक पुणे नासिक कहां पे मुझे याद नहीं है, एक बच्चा 10वीं 9वीं मंजिल से कूद के उसने अपनी जान। यहां पे बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिशन है, जो कि मैं समझता हूं एक लेवल तक अनहेल्दी है, एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, लेकिन है ये सच्चाई हमारी है। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा यहां पे, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे छूट जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरी बात ये कोई, मेरा तीसरा पॉइंट ये आलिया जी कि कुछ चीजें हैं जिससे आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अब मैं एक एक करके आपको तीन पॉइंट बताता हूं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में एक बात हो रही थी मेरे एक एंकर से, मेल एंकर से, तो उन्होंने बोला कि मेजर साहब, मेरी अक्सर बात होती है उनसे, तो उन्होंने बोला मेजर साहब ये बड़ा गलत है और मुस्लिम औरतों को हिजाब का क्या मामला है, हिजाब आप पहनने नहीं दे रहे या मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपके खुद के पाकिस्तान टेलीविजन पे जितनी भी एंकर आती है एक आध को छोड़ के तो कोई हिजाब नहीं पहनती, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हिजाब इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है। अगर वो हिजाब नहीं पहन रही इसका मतलब वो गैर मुस्लिम है, यानी कि उसने कोई इस्लाम का कानून तोड़ा है, और अगर वो इस्लामिक है, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि हिजाब औरत को पहनना ही पहनना है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, फिर चलिए साथ मिलकर मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि हिजाब पहनना चाहिए। जैसे सिखिज्म में जो पगड़ी है, पग है, वो लाजमी है, वो करना ही करना है, उन्होंने
उसके हाँ ऐसे कई सरदार हैं जो अपने बाल काट लेते हैं, लेकिन उनको करना ही करना है, वो उनका हुक्म है। इस्लाम में हिजाब हुक्म नहीं है। अब मैं हम बात करते हैं उसकी नमाज का जो गुड़गांव में हुआ था। हरियाणा में करीब 4,250 मस्जिद है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, शुरू शुरू में आपने भी सुना होगा नमाज बड़ा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, राइट। एक बात बताइए आलिया जी, कोई नमाज क्यों पढ़े सड़क पे? क्या मतलब, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप मस्जिद में जाके पढ़िए ना नमाज, आपको पब्लिक प्लेसेस में क्यों पढ़ना है? और उस समय नमाज की बात हुई थी, आज आप सुन रही हैं कुछ नमाज की बात, कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब मीडिया में कुछ नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, कर्नाटका में ही जो स्टूडेंट्स थे, जो लड़कियां थी, बच्चियां थी छोटी, क्या उनको ही हिजाब की प्रॉब्लम थी? भारत में और किसी मुसलमान लड़की को या औरत को हिजाब की प्रॉब्लम नहीं थी? वो अचानक हिजाब की चीज आ, इसमें से 90% चीज आलिया जी ये कंकॉक्टेड है, ये इलेक्शन मशीनरी के लिए, ये चुनाव जीतने के लिए, वोट्स पाने के लिए। बट इससे क्या होता है कि जो भारत का मुसलमान है ना, उसको बड़ी चोट पहुंचती है इससे। आप उसको पीछे धकेल रहे हैं कई सौ साल। एक चीज ये मदरसे वदरसे जो है, ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टडी साइंस, इनको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इनको साइंस पढ़नी चाहिए, ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने और बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का, अपने गली मोहल्ले का, जहां से भी आते हैं ये, बड़ा शहर, गांव, छोटा, जो भी है उसका नाम रोशन करें। ये जो पूरा एक माइंडसेट, आप हमारे जो लीडर्स हैं मुसलमानों के इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी ये बोला है कि आप मुसलमानों के लिए बढ़िया सा शानदार एक हायर एजुकेशन का एक कॉलेज बोलेंगे? नहीं नहीं, वो यही बात करते हैं, ये हिजाब हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने 75 साल से भारत के मुसलमानों को इसी चीज में गोल गोल घुमा के रखा है कि बेटा आप एक काम करना, आप इसी में लगे रहना, ठीक है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस्लाम कहता है कि भाई आप हज तब करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे हुक्म जरूर है, लेकिन आप हज तब करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको गरीब आदमी है, इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप हमारे एयरपोर्ट्स के सामने जाइए, एयरपोर्ट्स के सामने हज हाउस हैं, बड़े बड़े हज हाउस बने हुए हैं कलकत्ता एयरपोर्ट के सामने, या नई दिल्ली पे भी हज हाउस है। तो इसमें हिंदू जो है या क्रिश्चियन है, चलिए क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वर्ड हम दोबारा यूज करते हैं। कल ईसाई पूछेगा कि जो 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 कैथोलिक है, वो बोलेगा मुझे वैटिकन जाना है, इटली में जो वैटिकन है, आप भी मुझे 50% डिस्काउंट दो। क्या इंडिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को मना कर सकती है? फिर आप नहीं मना कर सकते। कल मैं बोलूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, आप मुझे 50, मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, आप 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, 10,000 रुपए में आपने जब, क्या आप मुझे देंगे? आप मुझे नहीं दे रहे। आप सिर्फ एक खास रिलीजन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर कर रहे हैं और बाकी सबको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों के दिलों में फिर ये भावना होती है कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, वरना ये खटकता रहेगा मामला, और फिर रिपोर्ट आती रहेगी कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, ये होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। सर सैयद जब थे तब तो अंग्रेज थे भारत में ना। अब अंग्रेज अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? हमारी हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन सर सैयद के टाइम पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता था तो गोरा करता था। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं इसमें किस तरीके से। मुसलमान खुद कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, भारत में भी कहते हैं और पाकिस्तान में तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पे राज करा, ठीक है। फिर मैं जानना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी कहां से आई? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यानी डर ये था कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत है, मेजोरिटी है, और ये डेमोक्रेसी जा रही है, इसलिए हिंदुओं का राज होगा। तो आलिया जी एक बात बताइए, ये तो गलत बात है। फिर 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं नहीं ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा हमको। भाई अगर आपने राज करा है तो या तो आप मान लें कि राज नहीं करा। पर दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बात कर रहे थे रिगार्डिंग इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर, हज सब्सिडी के ऊपर बात की गई।
इसके ऊपर जो रिहाइश का हिसाब किताब है उसके ऊपर बात की गई कि किस तरह से जो है वो वहाँ पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है यार, हर जगह के अपने एक रूल्स होते हैं, एक रेगुलेशंस होते हैं। अब हर किसी का अपना तरीका कार होता है। अब जैसे सपोज दैट कि चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ जैसे वो हर चीज़ खा लेते हैं, तो हम तो ये नहीं खा सकते ना। आप खुद सोचें, अब हम तो ये चीज़ें नहीं खाते। जो चीज़ हम नहीं खाते, हमें उससे उलझन होती है, उससे उसको देख के वॉमिट हो जाए, तो फिर हम वो चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे एरिया में या हमारे, चलो एरिया में करते हैं, अपने घर में करते समझ आता है, लेकिन अब हर जगह पर ही कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें होंगी तो वो नहीं बर्दाश्त की जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेम अगर इंडिया में मीट के ऊपर बात होती है तो लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आती है। अब सारी बात है, मुस्लिम जो है वो अपने तरीके से खाना खाते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो हिंदुज़म में नहीं, मांस मच्छी वगैरह नहीं पसंद, और स्पेशली जो गुजराती हैं, सही कह रहे हैं कि गुजराती ज़्यादातर नहीं पसंद करते ये गोश्त वगैरह, और इनकी गुजराती जो थाली आती है उसमें भी मैंने कभी मीट नहीं देखा। इवन तो मैंने खुद व्लॉग बनाया था तो उसमें भी मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि साइमा गुजराती थाली कहाँ से हो गई, गुजराती तो कभी भी मीट नहीं खाते, ठीक है। तो ये बात है, और हमारे साथ में भी जो गुजराती हैं, चलो उनका तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, हमारे नेबरहुड में रहते हैं, तो ये लोग तो बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है हम रहते हैं मुस्लिम कंट्री में हैं, और उसके बाद जो है हमारा जो मीट का सिस्टम है, अब वो खाते हैं उनको हम मना कर नहीं सकते क्योंकि ये तो इस यहाँ का कानून है। और दूसरी बात, अगर खाते भी हैं तो अपने घर में खाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं बोलते, बहुत अच्छे हमारे नेबर हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे एरिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे मुस्लिम हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ पर तो सब मिलकर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग सोसाइटी बनाई है या मुस्लिम्स की अलग सोसाइटी बनाई हुई है। हाँ, जो पहले से सोसाइटी हम पार्टीशन के टाइम पर बनी हुई थी, जो आए इकट्ठे रहे, तो वो तो बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो अब तो हम लोग यहाँ पर तो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारा तो कोई ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। खैर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर इस तरह से सेपरेट बनाया गया है तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यार देखो, जो कंफर्टेबल जिस जोन में होता है तो इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात कर लें हज सब्सिडी की, तो हज में जो है वो बेसिकली मेजर साहब कह रहे हैं कि उसमें हम लोग दे देते हैं, हाफ दे देते हैं। जैसे अगर कोई हज के लिए आता है और बोलता है कि भाई हमें हज करना है, तो हज का मैं यही कहूंगी कि हज जो है, चलो वो 10% कहते हैं, हम कर देते हैं 10%, मतलब 50% आप पे कर दें, 50% हम, तो जाहिर बात है वो लोग करवा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगी कि देखो, हज जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर हाल में हज करो, ठीक है, हज नहीं ऐसे होता। हज आपका दिल से होता है, नियत से होता है। अगर आप नियत कर लो, दिल से कर लो, तो आप घर बैठे ही हज कर सकते हो। हज करना है तो अपनी माँ की शक्ल देख लो, अपनी माँ का चेहरा देख लो, उसके पाँव को दबा दो, बस वही आपके लिए हज है। मुस्कुरा कर देख लो, यही आपके लिए हज है। अगर आपने हज दिल से किया, अगर आपके पास तौफीक है पैसों की, अगर आपके पास हैं पैसे, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप हज करो, अगर अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आप पे कंपलसरी नहीं है कि आपने जाना है और हज करना है और आपने मांग के पैसों से करना है, ठीक है, इसका नहीं होता। हज होता है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप हज करो जाकर। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के नियत कर लो, यही आपके हज है। क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं कर, अब इतने दुनिया में इतने गरीब लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि हम हज पर जाएं, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी हज पर, लेकिन अपने पैसों से जाएंगे, मांग कर नहीं जाएंगे। क्यों? मांग कर जाने में क्या फ़ायदा? मांग कर अगर हम जाते हैं, हाँ अगर मैं जाऊँ, मैं किसी को खुशी से कहती हूँ कि ठीक है यार, तुम्हें मैं हज पे भेजना चाहती हूँ, वो एक अलग बात होती है। या पूछो, हाँ भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, वो बोले मेरे बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे हज पे जाना है, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है यार, मैं तुम्हें हज पे भेजती हूँ ना, इससे ये होगा कि मेरे को भी सवाब मिलेगा और उसको भी, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, उसका भी सवाब। तो ये एक होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम बोले मुंह से जाके मांगे कि भाई हमें हज के पैसे दे दो, हम गरीब हैं, हम लोगों को हज करना है, तो मैं ये, मेरी नज़र में ये हज नहीं है, ये हज बिल्कुल नहीं है। इसको मैं यही कहूँगी कि ये एक आप किसी से मांग के जा रहे हो, ठीक है, तो मैं समझती हूँ मांगना है तो आप सिर्फ ऊपर वाले से मांगो, वो आपको देगा, ज़रूर देगा, आपके लिए कोई रास्ता बनाएगा,
तो बाकी अगर हज की पैसे गवर्नमेंट इनको दे रही है तो ये मैं नहीं समझती कि इस तरह से कोई भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट दे रही है इससे अच्छा उन गरीब लोगों के ऊपर लगा दे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो गरीब लोग जो खा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। गुर्बत तो है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया में गुर्बत नहीं है, गुर्बत हर जगह पे यार, अमीर कंट्रीज में गुर्बत है तो क्या इंडिया में गुर्बत नहीं होगी जहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है? तो जाहिर सी बात है वहां पर भी गुर्बत होती है। तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट इन लोगों को पैसे देने के बजाय अगर अपने गरीब लोगों पर लगाए, एजुकेशन पे लगाए, उन बच्चों पर लगाए जिनके पेरेंट्स नहीं है, उन लोगों पर लगाए जिनके हस्बैंड नहीं है और माँ अकेली मेहनत करती है, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो इस नेकी को नेकी भी ना समझें। और जिस तरह से अभी बीच में दंगे हो रहे हैं, अभी बीच में इन्होंने कितना तमाशा बना दिया था, कितनी लड़ाइयां की हैं, तो मतलब कि इन्होंने कन्हैया लाल जी के साथ जो किया, मतलब कि ये सारी चीजें फिर आप देखो, फिर बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम लोग तो बहुत ही इनोसेंट है, हम लोगों को राइट्स नहीं मिलते यहाँ पर, हम लोग बहुत ज्यादा, हम पे जुल्म होता है ये वो। ठीक है, अगर आप पे होता है तो गवर्नमेंट जब आपको इतना सपोर्ट करती है, उन पैसों से सपोर्ट करती है जो आपको मतलब टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, मतलब उसमें हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, जैन सब लोग, आपको सबके टैक्स होते हैं ना, उन पैसों से आपको हज के पैसे मिलते हैं, तो फिर आप उस टाइम पर तो कुछ नहीं कहते हो, उस टाइम पर फिर पैसे नजर आते हैं। तो यही चीजें होती हैं, जब आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करो ना, आप अपनी कंट्री को अप्रिशिएट करो, मिल जुल कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, इसमें क्या जाता है? जब नौकरियां चाहिए अच्छी तब तो आपको फिर सही है, अगर ना मिले तो भी आप लोग फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो। इतनी सारी पॉपुलेशन जब पैदा होगी, इतने एक घर में 10-10 बच्चे पैदा करके रख दोगे कि हमारे जितने बच्चों, अच्छी बात है, तो फिर गवर्नमेंट भी इसमें क्या करेगी उनकी हेल्प? हाँ, अच्छी एजुकेशन दो पैदा करो, अच्छी एजुकेशन दो ताकि वो अच्छी जॉब को अवेल कर सकें फ्यूचर में, ठीक है। गवर्नमेंट भी उनको स्किल्स को देख के, और बहुत सारे ऐसे मैं मुस्लिम्स देखे हैं जिनको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पोजीशन पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रखा हुआ, बस ये है कि अब मैट्रिक वाले बोलेंगे कि भाई हमें भी जॉब दे दो, तो गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आ जाओ तुम्हें हम रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, तो कागजी जो कार्रवाई है उसको पूरा करना पड़ता है। ये नहीं है कि हिंदू है तो मुस्लिम है तो इसको हम इस लेवल पर रखें, और मुझे लगता है कि हर किसी को बराबर रखना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए, यही मेन चीज़ होती है, और गवर्नमेंट को भी इन सबको बराबर रखना चाहिए, दैट्स इट। इसमें कोई नहीं है कि वो मुस्लिम है तो इसको थोड़ा, माइनॉरिटी में है तो इसको हम थोड़ा ऊपर रख लें, ऐसा नहीं है, बराबर रखें। और जो इज्जत के लायक होगा वो कम में भी आपकी इज्जत करेगा, जो इज्जत के लायक नहीं है आप उसको जितना भी दे दो ना, वो रोना धोना लगा के ही रखेगा। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।